क्यों रजत ने धक्के मार कर निकाला सभी को अपने घर से? क्या रजत के सामने आएगी पूरी सच्चाई? क्यों गरबा नाइट पर रजत सभी को एक साथ देखकर आशिका को हुई जलन? स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी दिन पर दिन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि शो के दर्शकों को भी अब ये सीरियल और भी ज्यादा एंटरटेनिंग लगने लगा है। जी हाँ, क्योंकि शो में हुई नई एंट्री ने शो में सस्पेंस का तड़का डाल दिया है, जिसके चलते हमें काफी कुछ देखने को मिला। लेकिन बता दें कि फाइनली शो के मेकर्स ने इस नए किरदार से ऑडियंस की मुलाकात तारा के पति के रूप में करवा ही दी है, जिसका नाम जिगर पटेल है। दरअसल रजत कियान की बर्थडे पार्टी से वापस आ ही रहा होगा कि तभी सही रजत से आइसक्रीम खाने की जिद करती हुई नजर आएगी, जिसके चलते रजत सही को आइसक्रीम दिलवाने के लिए वहीं शॉप पर रुक जाएगा। लेकिन इसी बीच रजत को वहां पर सभी की कार दिख जाएगी, जिसके कारण रजत जब सभी को वहां ढूंढेगा तो सभी एक कैफे में किसी अजनबी के साथ बैठकर कॉफी पी रही होगी, जिसे देखने के बाद रजत का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाएगा और वो घर जाकर सभी के घर वापस लौटने तक का वेट करेगा, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर सभी की एंट्री होगी। सभी को यूं बाहर से आते देख रजत अपने सवालों के साथ तैयार हो जाएगा, लेकिन सभी एक बार फिर से रजत को कुछ भी बताने से इनकार कर देगी, जिस कारण से रजत उस पर काफी ही जोर से चिल्लाता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, जब वो उससे सच बताने को कहेगा तो वो रजत से झूठ बोल देगी। ऐसे में रजत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी बीच वहां पर सभी के आई बाबा भी आ जाएंगे, जिसके बाद ईशा रजत से सभी का हाथ छोड़ने को कहेगी, लेकिन बता दे कि रजत सभी का हाथ झटके से छोड़ेगा, जिस वजह से सभी का पर्स नीचे गिर जाएगा और उसमें रखी गोल्ड की ज्वेलरी सबको दिख जाएगी। ऐसे में राजेंद्र उन ज्वेलरी बॉक्सेस को देखने के बाद सभी से सवाल करता हुआ नजर आएगा, लेकिन सभी अपने झूठ पर अड़ी रहेगी, जिस वजह से रजत गुस्से में उसे घर से धक्के मार कर निकालने का फैसला लेगा। रजत सभी का हाथ पकड़कर उसे ले ही जा रहा होगा कि तभी वहां पर जिगर की एंट्री होगी, जिसके चलते वो रजत को ऐसा करने से रोक देगा और साथ ही बताएगा कि तारा और निया कनाडा गए ही नहीं थे, वो सब यही मुंबई में रह रहे थे। जिगर बताता है कि उस पर कनाडा में किसी लड़की ने मोलेस्टेशन का केस कर दिया था, जिसके कारण उसका पूरा काम चौपट हो गया था, जिस वजह से उसे यहाँ वापस आना पड़ गया। सभी लोग जिगर की ये सारी बातें सुनकर सभी से माफी मांगते हैं, लेकिन इसी के साथ ही बता दें कि शो के अपकमिंग प्रोमो में आप देखेंगे कि रजत और सभी गरबा नाइट पर एक दूसरे के साथ गरबा खेलते हुए नजर आएंगे, जिसे देखने के बाद आशिका जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि उसका ध्यान अर्श पर कम रजत पर ज्यादा होगा। लेकिन वहीं रजत सभी के साथ अपना ये मूवमेंट इंजॉय करता दिखेगा। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या नया मोड़ लाएगी सीरियल में आशिका की ये जेलेसी, कैसे करेगी रजत और सभी को एक दूसरे के इतने करीब देखकर बर्दाश्त, क्या होगा सीरियल में नया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरियल से जुड़ी सभी खबरों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।